हर समय दो तरह की परिस्थितियाँ आती है। एक परिस्थिति वो होती है जब हम किसी को कर रहे होते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस को हमें समझाना चाहता है लेकिन हम समझने की स्थिति में नहीं होते। और दूसरी स्थिति वो होती है कि जब जो कुछ हम जिस समय कर रहे होते थे उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे होते हैं और उस समय कोई हमें समझाए या न समझाए, हमें सब कुछ बेहतर समझ में आ रहा होता है कि हमने पहले क्या किया था। सोचने की बात है, जो कि मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ वो ये कि जब भी हम किसी काम को कर रहे होते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक चीज़ बहुत आसानी से आ जाती है। जब हम किसी को चीज़ को करना चाहते हैं तो हम कैसे भी करके उसे कर लेते हैं, मतलब दैट इज़ ऑफ आर इंटरेस्ट और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा लेकिन मैं उसको करूँगा, उसके लिए भी मैं कुछ शायद बहाने बना सकता हूँ। लेकिन जब किसी काम को हम नहीं करना चाहते तो उसके लिए जो एक चीज़ हमारे सामने बड़ी सहज होती है वो होती है मेकिंग एक्सक्यूज़ेस। और वो एक्सक्यूज़ेस बनाने की आदत बचपन से ही हमें डल जाती है। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी रूप में हम बचपन से कभी ना कभी आदी हो जाते हैं इस चीज़ के। कि मुझे अभी भी याद है कि जब पहली बार कोई बच्चा स्कूल जाता है तो पहले बोलता है पेट में दर्द हो रहा है, मैं नहीं रह पाऊंगा। उस समय क्या है कि कहीं ना कहीं उसका अनकॉन्शियस माइंड उस एक्सक्यूज़ बना करके उसको देखता है कि क्या इससे मेरे को लोग छोड़ देते हैं, तो उस देखता है हाँ लोगों ने छोड़ दिया, तो वो फिर उस एक्सक्यूज़ को बना करके वहीं से वो शुरुआत होती है और वो बड़ी से बड़ी जगहों पर उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि वी मस्ट ऑलवेज ट्राई टू मेक आवर एक्सक्यूज लिमिट जीरो एज इट इज़ रिटन बिहाइंड। एक्सक्यूज लिमिट मस्ट ऑलवेज बी कैप्ट जीरो, क्योंकि एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि दुनिया में जो बहाने बना लेते हैं वो कुछ और नहीं बना पाते। किसी काम को ना करने के हज़ार बहाने होते हैं लेकिन किसी काम को करने के लिए जो एक मोटिवेशन चाहिए होता है वो सिवा सीधा साधा सिवा इसके कुछ नहीं हो सकता कि आई हैव कैप्ट माई एक्सक्यूज लिमिट टू जीरो। इट्स जीरो एंड कंप्लीटली जीरो।